गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, लगता है आप लोगों को ड्राइंग अच्छी लग रही है, ठीक है? तो अभी थोड़े टाइम पढ़ाई बंद और करेंगे एक और ड्राइंग, ठीक है? तो अगर आपकी वर्कशीट में जो भी पेज ब्लैंक है वो आप निकालो और मेरे साथ ड्राइंग करोगे। और कलरिंग तो बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है? वो आप अपने आप घर पे बैठे होमवर्क में, मैं कलरिंग के लिए बोल रही हूँ आपको, ठीक है? ड्राइंग आपको मेरे साथ करनी है और कलरिंग अपने आप होमवर्क में करनी है, ठीक है? पर बहुत अच्छे से लाइट कलर करने हैं, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ओके? चलो अभी आप लोग अपनी अपनी बुक निकालो और उसमें जो भी है ऐसे खड़ी नहीं रखनी है आपको, उसको ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनानी है, ऐसे बुक को ऐसे बनानी, बुक को ऐसे रखनी है, ठीक है? रेक्टेंगल आपकी बुक है वो ऐसे खड़ी है, आपको खड़ी नहीं, आपको टेढ़ी करनी है, ओके? चलो निकाली सबने बुक, चलो हो गया। अभी अपने आप वो आप लोग डेट डालोगे, वो सब आपको करना है अपने आप, ठीक है? अभी हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा ड्राइंग, ओके? तो आपको मेरे साथ ड्राइंग करते जाना है। पहले आप बनाओगे ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन, फिर उसके साथ सीधी ही आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर थोड़ी सी और एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, बिल्कुल इसकी तरह ही बनानी है, ओके? बनाइए आपने। और फिर आपको बनाना है ये वाली और एक स्लिपिंग लाइन, ओके? दोनों स्लिपिंग लाइन पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल यानी दोनों बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये दो स्लैंटिंग लाइन बनानी है और उसके ऐसे शेप बनाना है। चलो हुआ सबका? आप लोग ये सारा स्केल से कर सकते हो, स्केल को ऐसे खड़े करोगे और अच्छे से लाइन बनाओगे, ओके? मैं ऐसे ही रेंडमली बना रही हूँ, अगर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो आप लोग ठीक ठाक कर लेना, ओके? आप तो बहुत ब्यूटीफुल बनाना। चलो गया, अभी मैं यहाँ से एक ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन मान लेती हूँ, आपको भी ऐसे करनी है, फिर यहाँ से मुझे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन बनानी है। यस, आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये बन रही है हमारी बोट। चलो अभी मैं उसको अच्छे से उसका हुआ, ये हो गई तो बोट हुई। अभी बोट को भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो बोट में हम ऐसे वेव बनाएंगे, और बोट कहाँ होती है? पानी में। तो आपको यहाँ से ऐसे पानी भी बनाना है ना, ये हुआ हमारा पानी, ये बोट आई हमारी एक बड़े से सी में है, यानी बड़े बहुत बड़े समुंदर में बोट है, ठीक है? इसको मैं अलग से डिज़ाइन कर रही हूँ, आपको भी अच्छे से डिज़ाइन बनानी है, ठीक है? अभी बोट है तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा क्लाउड बनाते हैं, आपको भी ड्रॉ करना है, ये एक और एक क्लाउड बना देती हूँ मैं, जो आप ही बनाओगे। अब यहाँ पर जो इस काम करते हैं, यहाँ पर एक सन भी हम बताते हैं, ये है हमारा सन, बनाया सबने।
ऐसा यहाँ तक आप सबको बनाना है। ये है हमारा सन, ये है हमारे क्लाउड्स और थोड़े से बर्ड भी होने चाहिए ना। चलो ये आपने हमारे बर्ड लग रहा है ब्यूटीफुल। ओके तो आपको इतना ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके फिर आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन आप बनाओगे बिल्कुल लाइट ब्लू कलर से। जो हमारा स्काई ब्लू कलर होता है आप ऐसे पूरा लाइट बनाओगे, कोई डार्क नहीं बनाएगा, बिल्कुल लाइट करोगे ऐसे। ठीक है और बोट को आप बनाओगे, और अगर आपके पास स्केच पेन है तो आप पहले स्केच पेन से पूरा उसका बॉर्डर बनाओगे, जैसे कि हमने बोट बनाई है ऐसे पूरा आप उसका बॉर्डर बनाओगे। फिर अंदर भी आप ब्राउन कोई भी कलर कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे ब्राउन कलर कर सकते हो, पूरा बोट में भी ब्राउन कलर कर सकते हो, यहाँ पर ब्राउन करोगे और फिर ये जो सर्कल है उसके अंदर और ये वाला जो है पोर्शन आप डार्क ब्राउन करके कलर करोगे, ये वाला भी ऐसे, ये पूरा उसका बॉर्डर भी आप बनाओगे और अंदर भी आप कलर करोगे। ठीक है और यहाँ पर आपको जो पसंद पड़े आप अच्छे से कलर करोगे, एक पार्ट में अलग, दूसरे पार्ट में अलग, तीसरे पार्ट में अलग, तीनों पार्ट में आप अलग अलग कलर करोगे। फिर ये जो है वो आपको ऐसे स्केच पेन से या कलर से ही ऐसे बनाने हैं। ओके ये आप कलर से भी ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है और ये क्लाउड्स आपको बनाने हैं अपने तरीके से ब्लू कलर के, और ये क्या है सन, तो वो आपको बनाना है येलो। ठीक है अच्छे से कलर करोगे आप लोग, यहाँ पर सब में अच्छे से कलर करना है, लग रहा है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल, आपका भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगना चाहिए। आप तो कलर करके दिखाओगे तो आपका तो बहुत सुंदर लगना चाहिए। ओके ये हम ड्राइंग की प्रैक्टिस आपको इसलिए करवा रही हूँ कि आपका बिल्कुल सीधा और अच्छे से हाथ बैठे। ओके और भी ड्राइंग करेंगे हम, करोगे ना, ये कलर अच्छे से करना है, फिर हमें और भी ड्राइंग करना है। पसंद आ रहा है ना सबको, चलो।